नमस्ते, मैं संपूर्ण शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, मैं समझती हूँ पीछे मैंने आपको जितना पाठ पढ़ाया आपने पुनः उसका अध्ययन किया होगा और अध्याय को समझा होगा। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने देखा कि शर एक छोटा बच्चा है जो पत्थरों पे डिजाइंस तराशता है, डिजाइंस बनाता है, और छोटा बच्चा है, अपने पिताजी से काम सीखता है। और एक दिन ऐसा होता है कि बादशाह अकबर वहाँ आते हैं, उसका काम देखते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि इतना छोटा बच्चा ये काम कैसे कर सकता है। अब हम देखते हैं कि आगे अकबर की और उस बच्चे की क्या बातचीत होती है। तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने नर्म आवाज में पूछा। अकबर ने बहुत ही सहज भाव से उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। केशव ने नपाखुला जवाब दिया, केशव, क्या तुम मुझे नकाशी करना सिखाओगे? तो वो पूछ रहे, केशव क्या तुम मुझे नकाशी करना सिखाओगे? केशव ने बड़ा छोटा सा जवाब दिया, मेरा नाम केशव है, इतना नहीं बोलिए केशव। अब वो पूछ रहा है, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। वो उलझन में था, एक बादशाह है, ये नक्काशी सीखेगा? तो फिर भी उसने सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का इंतजाम भी करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग कर गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अकबर का कहना ही था कि अगर तुम्हें मुझे सिखाना है तो मेरे लिए छेनी और हथौड़े का इंतजाम भी तुम्हें करना होगा। केशव तुरंत गया, अपने पिताजी के छेनी हथौड़े लेके आया और जैसे गया, जिस गति से गया उसी गति से दौड़ कर आया। उल्टे पांव दौड़ कर आने का अर्थ यही है, जिस गति से गया उसी गति से वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो अकबर ने भी अपना व्यवहार जो था उसके साथ बिल्कुल मित्रतापूर्वक रखा और उसके पास जमीन पर बैठ गए। एक बादशाह होकर जमीन पर बैठ गए और उससे बड़े सहजता से मित्रतापूर्ण भाव से पूछा कि अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा, हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? पर केशव को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा व्यक्ति, एक पूरे हिंदुस्तान का जो राजा है, वो एक छोटा सा काम करेगा। तो उसने पूछ लिया कि हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, केशव सब पका गया। अकबर ने कहा मैं तो सीख लूंगा, पर उसको बिल्कुल वो झेल गया और उसने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ठीक नहीं लगता। तो उसने बोला कि आप तो इतने बड़े राजा हैं पर आपके लिए करना मुझे नहीं ठीक लगता कि आपको ये सब करना चाहिए या आपको इसकी आवश्यकता है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, उसने थोड़े से संकुचाए हुए भाव से उसको बोला। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो उन्होंने बताया कि मैं किसी की डलिया उठाने में मैंने मदद की थी, अर्थात मैं छोटे से छोटा काम भी करने में संकोच नहीं करता हूँ। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, वह अभी भी असमंजस में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। अब वो उसे सिखा रहा है कि आपको कैसे छेनी पकड़ना है और कैसे उससे पत्थर पे चोट करनी है। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब जैसा केशव ने अपने पिता से सीखा था, उसने उसी तरह से कोयला लिया, एक आसान सा चित्र बनाया और उनको बताया कि इस तरह से आपको चोट करनी है और इसी को ही तराशना है। लेकिन अकबर नौ सीखिया था, उसने चोट थोड़े जोर से लगाई तो उससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, तुरंत केशव ने पकड़ा कि अरे आप गलत कर रहे हैं, हथौड़े से आहिस्ता से मारना है, ऐसा उसने करके दिखाया। उसने कहा हथौड़े से धीरे मारना है, तेज मारोगे तो ये कटाव गहरा हो जाएगा और जो नक्काशी आप करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगी। और हाँ, अपनी आंखें थोड़े मीच कर रखें वरना तिरछे होकर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। फिर उसने समझाया कि आपको इस तरह से तो हथौड़ा चलाना है और अपनी आंखों को भी थोड़ा सा मीच के रखें ताकि उसके जो छोटे टुकड़े हैं वो आपकी आंख में नहीं चला जाए, क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही करता था। अकबर को भी आनंद आ रहा था, वो भी मुस्कुराया और उसके लिए
जवाब में केशव भी मुस्कुरा था। केशव भी अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब वो उनका जो व्यवहार था दोनों का, वो भी भूल गया कि ये जो सामने बैठा है ये एक इतने बड़े देश का राजा है। एक अनाड़ी से व्यस्त पर अपने काम की धार से जमाने में उसे मजा आ रहा था। केशव छोटा सा था पर इतनी बड़ी उम्र का था और उसे बहुत मजा आ रहा था कि मैं इतने बड़े व्यक्ति को एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूँ। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तौलिया चढ़ जाती। बिल्कुल गुरु बन गया था वो। और बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और जैसे छोटी सी कोई उसकी गलती होती तुरंत वो सिर में बन डाल के और बोलता कि गलत कर रहे हो। काम करते करते अकबर कुछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति ज्यादा देता। वो बीच बीच में अकबर पूछता रहता, केशव ये सही नहीं है? वो भी कहता हाँ नहीं ठीक नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगीतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। वो दोनों अपने आप में इतने खोए हुए थे, इत्मीनान का अर्थ है बिल्कुल तसल्ली के साथ। केशव को अकबर काम करते हुए देख रहा था, केशव उनका काम देख रहा था और दोनों को भी एहसास नहीं था कि आसपास जो दूसरे पत्थरों को तराशने वाले लोग हैं वो बड़े आश्चर्य के साथ उन दोनों को देख रहे थे और वो भी आनंद उठा रहे थे। आगे हम इस पाठ को अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ का पुनः अध्ययन कीजिए और कुछ कठिन शब्दों का देख लेंगे। इंतजाम का अर्थ है व्यवस्था, सक पकाना अर्थात झेप जाना, आहिस्ता धीरे, धाक अर्थात रोक जमाना, अनाड़ी जिसे बहुत कुछ काम जो है वो अच्छे से नहीं आता हो, मौजूद है, उपस्थित रहना, हाजिर रहना, कौतूहल का अर्थ है आश्चर्य से। आप पुनः इस पाठ का अध्ययन करें और इन कठिन शब्दार्थों को भी याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।